हेलो बच्चों आज हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.2 की जो रिलेशन फंक्शंस की है और बहुत ही आसानी से ये सवाल निकल जाएंगे और आपको मज़ा आने लगेगा एक्सरसाइज करने में मुझे उम्मीद है कि इसके पहले का वीडियो आपने देखा होगा जिससे कि एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा सरल लगे अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखिए जिसमें इसकी कॉन्सेप्ट को मैंने इससे पहले बताया है और यही मैं कहने जा रहा हूं कि इन वीडियो लेक्चर्स को आप सीक्वेंस या सीरियल वाइज देखिएगा जिससे सारे कॉन्सेप्ट आसानी से आपके दिमाग में प्रिंट हो जाएं। <laughs> और कोई भी चीज मुश्किल ना लगे सब बहुत आसान लगे और आसान लगेगी क्योंकि मैं बिल्कुल शब्दों का ऐसा सरल शब्दों का प्रयोग करता हूं जो आपको कठिन से कठिन बात भी मैं आसानी से आपको समझा दूंगा ये मेरा आपसे प्रॉमिस है चलिए बात को स्टार्ट करते हैं ये रहा रिलेशन फंक्शन चैप्टर बेटा चैप्टर नंबर टू और इसी में मैं रेड कलर लेता हूं इसी में हम लोग बात करेंगे 2.2 की तो एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लाता हूं आपकी स्क्रीन पर और इसको करना हम लोग शुरू करते हैं बिना समय गवाएं तो ये रहा क्वेश्चन नंबर लेट ए लेके फोर्टीन तक नंबर है डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए ए से ए में रिलेशन डिफाइन करना है बाई ये डिफाइन है रिलेशन वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू ए आगे लिखा राइट डाउन इट्स डोमेन को डोमेन एंड रेंज ठीक है साहब बिल्कुल तो ये जब भी रिलेशन फ्रॉम पहले मैं ये दोबारा समझा दू रिलेशन फ्रॉम ए टू ए लिखा जाए तो इसका मतलब क्या होता है कि ए टू ए का इसी में रिलेशनशिप और उसके ऑर्डर इसी का सबसेट ढूंढ रहे हैं कार्सियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट जो रहता है रिलेशन क्या होता है इसी का ये जो रिजल्ट आएगा इसका सबसेट होता है रिलेशन तो यहां पर बात ए टू ए यानी पहला और दो, दूसरा मेंबर जो ऑर्डर्ड पेयर का होगा वो भी ए को बिलोंग करेगा पहला और दूसरा भी ए को बिलोंग करेगा बात समझ में आई होगी आपके खैर अब इसको रिलेशनशिप को बिल्डअप करते हैं इस बात के तहत तो मैं आर लिखता हूं यहां पर देखिए एक्स कॉमा वाई लिखा है थ्री एक्स माइनस वाई टू जीरो तो मैं यहां पे वन पुट कर देता हूं पहले यहां पर लिखिए तो इस रिलेशनशिप को आप क्या लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू थ्री एक्स वाई को धर ले जाओ अब यहां एक्स की वैल्यू वन पुट करो तो वाई कितना अचीव हो जाएगा तीन तो मुझे वाई लिखना चाहिए वाई तीन फिर एक्स की वैल्यू आप दो पुट करोगे तो वाई आ जाएगा सिक्स फिर एक्स की वैल्यू थ्री पुट करोगे तो वाई आ जाएगा नाइन और यहीं आगे लिख देते हैं या इसके नीचे थोड़ा लिखते हैं और फिर x की वैल्यू अगर आप फोर पुट करोगे तो फोर थ्री जब वाई हो जाएगा ट्वेल्व और x की वैल्यू जब आप पांच पुट करोगे तो y आ जाएगा ट्वेंटी ट्वेंटी आप नहीं ले सकते क्योंकि आपने देखा है कि जो सेट ए है इस सेट ए में केवल फोर्टीन एलिमेंट है एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह और फोर्टीन तो इस फोर्टीन के बाद अगर कोई एलिमेंट आ रहा है जो कि सेट ए में है ही नहीं क्योंकि यहां पर तो एक्स में ए में बिलोंग करना चाहिए तो इसको हम नहीं ले सकते यानी हमारे पास यही पेयरिंग रिलेशनशिप की बनी तो मैं इसको क्या लिख देना चाहूंगा रिलेशन के तौर पर आर और वन कॉमा थ्री ये देखिए वन का तीन से रिलेशन था तो वन कॉमा थ्री फिर दो का 6 से था तो यहां लिख दो टू कॉमा सिक्स और फिर तीसरा है थ्री कॉमा नाइन और उसके बाद है फोर कॉमा ट्वेल्व ये देखिए एक रिलेशनशिप ये एक रिलेशनशिप लिख दी है ये रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में लिखी गई है और इस तरह से इसका आंसर आ जाता है अब इसको क्या क्या चीज उन्होंने पूछी है साहब वो भी देख लेते हैं इसके आगे पूछा है राइट डाउन इट्स डोमेन को एंड रेंज अब कोमेन डोमेन रेंज मैं भी लिख देता हूं यहां रहा बात आपकी डोमेन तो आप जानते हैं कि इसका जो डोमेन होगा वो इस ऑर्डर्ड पेयर का जितने ऑर्डर्ड पेयर है उसका पहला एलिमेंट जो रिलेशनशिप में हो उसके सेट को बनाते हैं डोमेन तो डोमेन में वन टू थ्री फोर ये इसका डोमेन हो गया फिर बात कर लेते हैं रेंज की तो रेंज क्या होता है सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स विच आर अंडर रिलेशन तो तीन छ नौ बारह तो तीन नौ बारह अब बात कर लेते हैं को डोमेन की तो को डोमेन क्या होता है सेकंड वाले जो भी ए, सेट होता है जब रिलेशन बोलते रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू ए तो सेकंड वाला जो सेट होता है यहां तो दोनों बराबरी सेट है वैसे सेकंड वाला जो सेट होता है उसके सारे एलिमेंट तो यहां पर को डोमेन में टू में था तो एक दो तीन चार पांच छोर्टीन तक सारे नंबर ये को डोमेन लिख दिया गया है अगर इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन आप दिखाने की कोशिश करें जो कि पूछा नहीं है तो वो भी दिखा सकते हैं वो भी मैं दिखा देता हूं काहे को रह जाए जब सीख रहे हैं तो पूरी तरह सीखें तो मैं थोड़ा उसको ऊपर यहां ले जाता हूं और ऐसे आप बना लीजिए एरो डायग्राम सेट था ए याला एला और ए बी ए टू ए दिखा रहे थे यहां नंबर्स लिख दो एक दो तीन चार पांच छो ये इन्हीं का रिलेशन है तो उसको मैं फ्रंट में लिख देता हूं बाकी तो नंबर लिखे रहेंगे रिलेशनशिप में आएंगे नहीं तो चार के बाद पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह ये नंबर हो गए यहां भी ए है तो सेम एलिमेंट रहेगा अभी तीन छ नौ बारह मैं फ्रंट में लिख देता हूं बाकी पीछे कर दूंगा जिससे कि तीन छ नौ बारह और फिर एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह और तेरह और चौदह मेरे ख्याल से सारे लिख दिए अब यहां पर रिलेशनशिप एक का तीन से रिलेशन था दो का छ से था तीन का नौ से चार का बारह से बस ये डायग्राम ये क्या है हमारा दिस इज एरो डायग्राम एरो क्या करता है ज ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशन रिलेशन का विजुअल रिप्रेजेंटेशन है that's all. पहले सवाल का पूरा हम लोग ने मेटा एनालिस कर लिया इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं और आगे के लिए आप पॉज करें वीडियो और इसको नोट डाउन कर लीजिए फिर करेंगे क्वेश्चन नंबर टू तो इसको आपने नोट किया होगा यहां पर थोड़ा सा और यहां पर नोट कर ले इसको तो मेरे ख्याल से नोट कर लिया होगा वीडियो पॉज करके करते हैं क्वेश्चन नंबर टू के ऊपर देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू हमारे लिए क्या है थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं ये रहा क्वेश्चन नंबर टू डिफाइन रिलेशन आर ऑन सेट एन सेट का एन का मतलब नेचुरल नंबर बाय ये इस तरह से डिफाइंड है नेचुरल नंबर है? है जो चार से छोटा है और एक्स वाई दोनों नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं जैसा ये बता रहे हैं डिपिक दिस रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म रोस्टर फॉर्म में लिखना अभी लिखते हैं राइट डाउन डी डोम रेंज ठीक है तो पहला मैं रोस्टर फॉर्म में लिख रहा हूं जो इन्होंने पूछा है वही यानी रिलेशनशिप आर अब यहां पर देखिये वाई इजल टू एक्स प्लस फाइव था और एक्स एक 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 बोला है नंबर लेस देन फोर तो एक्स की वैल्यू अगर नेचुरल नंबर है जो चार से छोटी है तो एक्स कौन कौन सी वैल्यू होल्ड कर सकता है एक दो तीन क्योंकि चार से छोटा बोला है तो चार तो हम ले नहीं सकते अगर तीन ही वैल्यू एक्स होल्ड कर सकता तो वाई क्या निकलेगा जब आप एक्स पुट करोगे एक्स वन उस समय वाई आ जाएगा सिक्स एक्स टू पुट करोगे वाई आ जाएगा सेवन पांच जोड़ देना है और एक्स अगर तीन आ जाएगा तो वाई आ जाएगा एट ये देखिए एक्स वाई का रिलेशन आ गया इसके बाद चार हम पुट करने वाले नहीं क्योंकि वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा वन कॉमा सिक्स टू कॉमा सेवन अभी मैं सामने से हटता हूं और थ्री कॉमा एट ये देखिए ये रोस्टर फॉर्म के अंदर वन कॉमा सिक्स टू कॉमा सेवन थ्री कॉमा एट वो मेंशन कर दिया है जो बड़े सुंदर तरीके से आपको नजर आ रहा है अगर एरो डायग्राम पूछा नहीं है बनाने का मन कर जाए तो कोई समस्या नहीं है यहां पर लिखिए एक दो तीन ये सेट ये आ, ये सेट क्या था नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर ये एन से आर ऑन सेट एन ऑफ ऑन द सेट लिखते हैं मतलब ये भी एन है यहां जगह नहीं तो मैं नीचे लिख दे रहा हूं और बाकी नंबर भी भरे हुए हैं इसमें लेकिन बाकी नंबर्स मैं दिखा नहीं रहा हूं बाकी वन टू तो थ्री फोर और भी है वन टू तो थ्री फोर डैश डैश लगा दिया डैश डैश लगा दिया ठीक वन का छ से दो का सात से तीन का आठ से यहां बाकी नंबर भरे हुए हैं ये जरूर देखिएगा अब इसकी बात करते हैं डोमेन तो डोमेन आप जानते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर में पहले वाले एलिमेंट का सेट जो रिलेशन में हो तो एक दो तीन तो डोमेन हो गया सेट है एक दो तीन ऑर्डर्ड पेयर थोड़ी है तो ये एक दो तीन बन गया रही बात इसके रेंज की अच्छा तो रेंज क्या हो जाएगी सेकंड एलिमेंट जो कि है रिलेशनशिप में और अगर इन्होंने पूछा नहीं फिर भी अगर मैं कोडोमेन लिख दूं, तो बता सकोगे कोडोमेन क्या होगा बिल्कुल बता सकोगे क्योंकि कोड ओमेन होगा नेचुरल नंबर तो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन या ऐसे भी लिख दीजिए एक दो तीन चार और डैश 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 डैश, डैश। सेट ऑफ नेचुरल नंबर ये हो जाएगा कोडोमेन इधर वाला इस तरीके से सवाल ये कर सकते हैं इसको नोट कर लो बेटा अगला सवाल करते हैं वीडियो पॉज कीजिए और नोट कर डालिए मेरे ख्याल से नोट कर लिया होगा थोड़ा सा ये ऊपर कर देता हूं ये नोट कर लिया चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री के ऊपर तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री हमारे लिए क्या लेके आया है इसको थोड़ा सा ऊपर करना चाहेंगे जगह मिल जाती है इसलिए क्वेश्चन नंबर थ्री लिखा है ए वन टू थ्री फोर फाइव और बी लिखा है फोर सिक्स नाइन डिफाइन ए रिलेशनशिप आर फ्रॉम ए टू बी बाई एक्स वाई द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड एक्स में से वाई या वाई में से एक्स डिफरेंस बोल रहे हैं तो दोनों के बीच का डिफरेंस ऑड नंबर है एक्स ए को बिलोंग करता, करता है वाई बी को बिलोंग करता है राइट आर इन रोस्टर फॉर्म ठीक है तो मैं रोस्टर फॉर्म में मैंशन कर देता हूं अब आप देखिए एक और चार ये ऑर्डर्ड पेयर है ना तो जैसे मान लीजिए एक और चार की बात करें तो एक में से चार घटाते हैं अगर तो ये माइनस तीन मिल रहा है ये ऑड नंबर है या चार में से एक घटाएंगे डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो ये ऑड नंबर है यानी ये इंक्लूड होगा तो आप बात करें तो वन का रिलेशनशिप फोर से बन गया फिर वन का मैं लिख लिख के नहीं दिखाता हूं क्योंकि बहुत सरल है वन का सिक्स से देखें तो एक में से छह घटाओगे पांच आएगा ये भी रिलेशनशिप के अंदर है फिर एक का नौ से देखें तो ये आठ आ जाएगा आठ होता है इवन नंबर ये रिलेशनशिप में नहीं है उम्मीद आप पकड़ पाए होंगे इन दोनों में हमारे जो ऑर्डल्ट पेयर हैं एक्स और वाई का डिफरेंस ऑड नंबर होना चाहिए तो एक का चार से बना डिफरेंस तीन था एक का छह से बना डिफरेंस पांच था देखो इन दोनों का डिफरेंस पांच है ऑड नंबर एक और नौ नहीं ले पाएंगे क्योंकि उसका डिफरेंस एट हो जाएगा और एट एक, एक इवेंट नंबर है छोड़ दीजिए उसको फिर दो का चार से चले फिर इवेंट नंबर छोड़ो दो का छह से चले इवेंट नंबर छोड़ो दो का नौ से ले सकते हैं ठीक अगला तीन का देखते हैं तीन का चार से एक आएगा ऑड नंबर है फिर तीन का छे से तीन आएगा ऑड नंबर है और फिर तीन का नौ से वो भी एक ऑड नंबर है फिर पांच का चार से ऑड नंबर है फिर पांच का छह से ऑड नंबर है और पांच का नौ से एक ऑड नंबर है ये देखिए रोस्टर फॉर्म में मैंने इसको मेंशन कर दिया और आपके सामने लिखा ही हुआ है अब इसको मैं वन फोर वन सिक्स टू नाइन थ्री फोर थ्री सिक्स थ्री फोर थ्री सिक्स फिर थ्री नाइन थ्री फोर थ्री सिक्स थ्री और नाइन कितना छ आ जाएगा ये नहीं ले सकते हैं ये छ नौ में से तीन के छह तो ये इवन हो जाएगा तो इसको हटाना होगा बेटा ये नहीं होगा फाइव फोर की बात करें तो फाइव फोर वन ठीक है फाइव सिक्स की बात करें तो ये भी ठीक है फाइव फोर फिर गड़बड़ हो गया चार आ जाएगा तो ये इ, इतनी वैल्यू आएगी ये रिलेशनशिप आएगी एक चार एक छ दो नौ तीन चार तीन छ पांच चार पांच पांच चार पांच छ अगर विजुअल डायग्राम बनाए एक दो तीन पांच और फोर सिक्स नाइन तो ये रहा सेट ए और ये रहा सेट बी एक का रिलेशनशिप एक चार से और छ से है फिर दो का रिलेशनशिप नौ से है फिर तीन का रिलेशनशिप चार और चार से और छ से है और पांच का रिलेशनशिप चार से है और छ से है तो काफी कचड़ पचड़ होने वाली है पांच का चार से है पांच का छ से है थोड़ा आप साफ सुथरा बड़ा करके और बना सकते हैं इसे स्पेस मिल जाए लेकिन आप समझ पाए होंगे ये इसका सोल्यूशन हो गया इसको नोट कर लीजिए और मेरे ख्याल से काफी अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पर यह रहा बेटा क्वेश्चन नंबर फोर इसको भी देखते हैं हमारे लिए क्या लेके आया है ये द फिगर शोज ये फिगर है द रिलेशनशिप बिटवीन द सेट्स पी एंड क्यू एंड राइट दिस रिलेशन इज सेट बिल्डर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है और रोस्टर फॉर्म में भी लिखना है वॉट आउट इट डोमें लिखूंगा सेट बिल्डर फॉर्म तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने से पहले हमें ऑब्जर्वेशन करना होगा कि इनमें रिलेशनशिप आखिर है क्या तो मैं ये देख पा रहा हूं कि पांच का तीन से रिलेटेड यानी पांच इससे दो छोटा है छह भी दो छोटा है सात भी दो छोटा है तो सिंपल सी बात हो गई कि हमारा जो रिलेशन है द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स ऑफ एक्स वाई जो एक्स है हमारा वो वाई से दो छोटा है या वाई के टर्म्स में लिखना चाहिए ये, ये होता है एक्स और ये होता है वाई तो वाई के टर्म में हम क्या लिख देंगे एक्स में से दो घटा दो हो गया इसमें दो घटाओगे यहां पहुंच जाओगे या x को लिखना है तो y प्लस टू लिख दो कुछ भी लिख दो बात तो एक ही है क्वेश्चन में चाहे ये मेंशन कर दो चाहे ये मेंशन कर दो और आगे लिखा जा सकता है वेयर x बिलोंग्स टू p एंड ये जरूरी है लिखना y बिलोंग्स टू q अगर आपने ये नहीं लिखा तो मैथमेटिकली इट इज रॉन्ग फिर तो पता ही नहीं चला एक्स वाई कौन सा खिलाड़ी है तो ये लिखना बहुत आवश्यक है जो लिखा हुआ है यहां पर इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता अच्छा अब पूछा था रोस्टर फॉर्म तो रोस्टर फॉर्म में लिख देते हैं रोस्टर फॉर्म में हम लोग सारे एलिमेंट को टेबलेट कर देते हैं आर लिख दिया अब यहां पर पांच का तीन से रिलेशन था फिर छे का चार से था और फिर सात का पांच से था ये रिलेशनशिप स्टेब्लिश हो गई रोस्टर फॉर्म के अनुसार अब डोमेन इसका तो अगर मैं यहां बात करूं इसके डोमेन की तो डोमेन तो सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स विच आर अंडर रिलेशन तो पांच छ सात ये इसका डोमेन हो गया तो पांच छ सात इसका डोमेन हो गया रही बात इसके रेंज की तो सेकंड एलिमेंट्स जो होता है अंडर रिलेशनशिप तीन चार पांच तो तीन चार पांच यहां ये इसकी रेंज हो गई दिस इज योर आंसर पूरी बात देखिए इस तरह कही जा सकती है इसको आप नोट डाउन कर लें कुछ इसको स्लाइड को ऊपर नीचे करने की आवश्यकता नहीं तो ये क्वेश्चन नंबर फोर हो जाता है चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ ये रहा क्वेश्चन नंबर फाइव और इसको भी थोड़ा सा यहां रोकते हैं और फिर देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं लेट ए दिया है लेट आर रिलेशन ऑन ए जब भी रिलेशन ऑन ए बोलेंगे तो रिलेशन ए टू ए ही मतलब है। ये पीछे समझा था। रिलेशन ए टू ए बोलना या रिलेशन ऑन ए बोलना दोनों बातें एक ही होती हैं। ठीक डिफाइंड बाई ए बी ए बी बिलोंग्स टू ए बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए बी हमारा पूरी तौर पर ए से डिविजिबल है बी है बाद वाला ए है पहले वाला ठीक है राइट आर इन रोस्टर फॉर्म तो पहला ले लेते हैं रोस्टर फॉर्म में रोस्टर फॉर्म ठीक है और इसको लेके चलते हैं तो सेकंड वाला एलिमेंट मान लीजिए वन लेते हैं अब यहां पे लिखा हुआ ना बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल तो इसको मैं ले लेता हूं वन तो वन से कौन कौन डिवाइड किया जा सकता है वन से तो वन ही डिवाइड हो रहा है परफेक्टली ये रिलेशनशिप में ऐसे लिख दो रोस्टर फॉर्म में आर इज इक्वल टू ठीक वन वन हो गया फिर मैं क्या करता हूं यहां पर टू लिख देता हूं टू की डिविजिबिलिटी पूरी तौर पे किसकी किसकी है किसी की नहीं है एक तो वन की है और टू को टू खुद भी डिवाइड करेगा तो दो इसके मेंबर हो गए समझ पा रहे हो ना बी सेकेंड वाला था तो वन को डिवाइड करने वाला इसमें केवल वन ही मौजूद है और टू को डिवाइड करने वाला वन मौजूद है और टू को डिवाइड करने वाला खुद टू मौजूद है ठीक है आगे बात करते हैं यहां लिख लेते हैं फिर हमने अगला एलिमेंट तीन पकड़ा तो एक तो इसको डिवाइड कर ही देगा फिर तीन को कोई और डिवाइड नहीं कर रहा तीन को तीन ही डिवाइड कर, कर रहा है फिर हमने अगला एलिमेंट पकड़ा इधर बी वाला चार इसको एक डिवाइड कर रहा है फिर हमने देखा दो डिवाइड कर रहा है और उसके बाद हमने देखा चार अपने आप को भी डिवाइड कर रहा है फिर अगला हमने पकड़ा पांच एक डिवाइड करेगा और खुद अपने आप को डिवाइड मारेगा इसके बाद पकड़ा छ तो को एक डिवाइड करेगा दो भी डिवाइड करेगा तीन भी डिवाइड करेगा चार परफेक्टली नहीं करेगा और छे बाई डिवाइड करेगा ये देखिए ये रिलेशनशिप इतनी आई उम्मीद है आप समझ होंगे ध्यान से देखिए तो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह बारह मेंबर्स हैं इसके तीन ये चार चार आठ और ये कितने लिख दी चार और चार आठ 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 तीन ग्यारह और तीन चौदह लिख दिए हैं इसमें तो जरा चेक चेक कर लीजिए बराबर है कि नहीं तो बच्चों यहां देखिएगा यहां इस सेट में पांच तो है ही नहीं मैंने तो एक दो तीन चार पांच छे सोच लिया तो ये पांच वाले आइटम तो रहेंगे ही नहीं तो इन दोनों को हटा मारो यहां से ये दोनों उड़ गए ठीक अगर ये उड़ गए तो अब देखिए इसमें बारह एलिमेंट हैं एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह ये वो एक झटके में एक दो तीन चार पांच पकड़ लिया था तो पांच वाले है ही नहीं तो पांच वाला छोड़ दो ये इसका आ गया सेट ये बीच का गैप है तो गैप मिटाने से हुआ है आप एग्जाम में मत लिख देना ये एलिमेंट आ गए अब ये रोस्टर फॉर्म में लिख दिया फाइंड द डोमेन ऑफ आर तो डोमेन की चर्चा करें अगर यहां पर तो आप जानते ही हैं जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं रिलेशनशिप पे वो डोमेन में शामिल होते हैं तो एक आ गया फिर एक के बाद देखिए वहां पर आपको दो मिला तीन मिला चार मिला पांच के बाद थी नहीं और छह मिला तो एक दो तीन चार छ ये डोमेन हो गया रही बात रेंज की तो रेंज में सेकेंड एलिमेंट जो शामिल होते हैं वो भी सारे हैं यहां पर एक दो तीन चार और एग्जाम में आप भी ध्यान रखिएगा कभी कभी क्योंकि एक दो तीन चार गिनतियां इतनी लंबी हम लोग पढ़ते हैं कि पांच ना लिखा हो तो भी मन की भावना से पांच दिखने लगता है जैसे मुझे दिख गया अभी क्योंकि आदत पड़ी रहती है तो एग्जामिनेशन में केयरफुल रहने की के आवश्यकता है ऐसा ना समझ के चलना कि वो होता ही है उम्मीद है आप बात को पकड़ पाए होंगे यह क्वेश्चन नंबर फाइव है चलेंगे अगले क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर सिक्स पर बेटा तो यह रहा क्वेश्चन नंबर सिक्स और यहां हम इसको करने की कोशिश करते हैं लिखा है डिटरमाइन द द डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन आर डिफाइंड बाय दिस वन ये वैल्यू लिखिए एक्स एक्स कॉमा एक्स प्लस फाइव अगर आप चाहें तो इसको रोस्टर फॉर्म में सीधे लिख लें वरना यहीं से डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं इसमें कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन फिर भी मैं राष्ट्र फॉर्म में लिख के आपको रिलेशनशिप दिखाता हूं x x प्लस फाइव है x पहली वाली x प्लस फाइव दूसरी वाली और x का सेट दिया हुआ है तो जब आप x लिखोगे यहां पर ध्यान देखो x y की जगह x प्लस फाइव है तो x की वैल्यू डालोगे यहां पर जीरो तो x प्लस फाइव कितना मिल जाएगा तो x प्लस फाइव मिल जाएगा पांच फिर जब x की वैल्यू जीरो की जगह डालोगे क्या है आगे वन ये मिल जाएगा पांच ज्यादा छह दो डालोगे तो सात तीन डालोगे तो आठ चार डालोगे तो नौ और पांच डालोगे तो दस ये वैल्यू आपके सामने आ गई है और इसमें आप लिख सकते हैं जीरो टू फाइव फिर वन टू सिक्स टू टू सेवन थ्री टू एट फोर टू नाइन फाइव टू टेन ये देखिए क्या बना दिया मैंने इसको रोस्टर फॉर्म में लिख डाला अब यहां पे जो डोमेन होगा आप जानते हैं वो तो डोमेन इसमें इस जो पहले वाले नंबर्स होते हैं जो रिलेशनशिप में शामिल होते हैं वो हो जाएंगे तो यहां पर द सेट ऑफ ऑल नंबर्स फर्स्ट एलिमेंट्स जीरो वन टू थ्री फोर एंड फाइव ये डोमेन आ गया रही बात रेंज की बेटा रेंज रेंज में ये बाजू वाले जो है जो सेकेंड एलिमेंट है रिलेशनशिप में है तो पांच छ सात आठ नौ दस ये आंसर हो गया बेटा इसका तो आप आसानी से समझ पाएंगे और बहुत कुछ उसमें जबरदस्ती आप बना सकते हैं बनाना चाहें लेकिन हम उसको नहीं बना रहे इतना ही कर रहे हैं चलते हैं अगले सवाल पर तो बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन सेवन में देखिए क्या लिखा राइट द रिलेशन आर और एक्स कॉमा एक्स क्यूब एक्स इज ए प्राइम नंबर लेस देन टेन देखिए एक्स एक प्राइम नंबर है जो कि दस से छोटा है तो एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है दस से छोटा प्राइम नंबर क्या होगा दो हो सकता है तीन हो सकता है पांच हो सकता है और सात हो सकता है तो ये प्राइम नंबर्स हैं प्राइम नंबर्स लेस देन टेन लेस देन टेन ये एक्स वैल्यू हो सकती है अब ये जो x क्यूब है इसी का क्यूब कर देना है तो रोस्टर फॉर्म में लिखना हो तो बहुत आसानी से लिख पाएंगे पहले वाला मैं ले लेता हूं दो तो दो लिखा तो दूसरे का लिख दीजिए दो का क्यूब फिर लिख दीजिए तीन तो तीन का क्यूब फिर लिखा पांच तो पांच का क्यूब फिर लिखा सात तो सात का क्यूब ये बन गया आपका आ, रिलेशन अगर इनकी वैल्यू लिखना चाहो जैसे अक्सर लिखी जाती सिंप्लीफाइड वर्जन में दो और आठ हो गया ये तीन और ट्वेंटी सेवन हो गया ये पांच और वन ट्वेंटी फाइव हो गया और ये हो गया सेवन और थ्री फोर्टी थ्री हो गया ये आपका आंसर आ गया बेटा कुछ भी नहीं है बहुत ही सिंपल सी बात है थोड़ा सा मामला था जो आप हंड्रेड परसेंट इसको हैंडल करने में सफलता पाएंगे अगली क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एट की दिस इज ऑल्सो वेरी इजी सब कुछ बहुत आसान है बस आप थोड़ा समझ के पढ़ते जाइए एक क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा और मजा आता रहेगा आपको कोई इसमें प्रॉब्लम ही नहीं है मजा लीजिए सवाल लगाइए सौ में सौ नंबर लाइए खैर चलो लेट ए इज टू एक्स वाई जेड एंड बी इज टू वन टू फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन देखिए ये नंबर ऑफ रिलेशन की सारी बातें बहुत तगड़ी तरीके से एक्सप्लेन है प्रीवियस वीडियो में नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी तो आपको फिर से याद ताजा करवाते हैं वो थोड़ी बहुत बाकी तो उधर ही है कि नंबर ऑफ रिलेशन जब निकालना हो जब भी रिलेशन ए टू बी का जिक्र हो तो हम जानते ही हैं कि ए टू बी का मतलब है कि जो रिलेशन होगा इस प्रोडक्ट का इस सेट का ए क्रॉस बी का सबसेट होता है तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने होते हैं अगर इसके अंदर एन ए बी के अंदर पी क्यू एलिमेंट्स हैं यानी एन ए बराबर पी एन बी बराबर क्यू तो हम ये जानते हैं कि ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट हो जाएंगे पी क्यू तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे इसके टू की पावर पी क्यू और यही होते हैं नंबर ऑफ रिलेशंस नंबर ऑफ रिलेशंस क्योंकि जो रिलेशंस होते हैं वो इसी के सबसेट होते हैं क्रॉस बी के तो ए क्रॉस बी के कितने सबसेट हो सकते हैं जितने एलिमेंट हैं टू की पावर जितने एलिमेंट हैं तो इसके अंदर एलिमेंट पी क्यू है तो टू की पावर पी क्यू इज द नंबर ऑफ रिलेशन पी क्यू क्या है पी है जो सेट ए में जितने एलिमेंट्स है क्यू सेट बी में जितने एलिमेंट्स हैं इतनी बात मुद्दे की पकड़ के रखो और बाकी अभी देखिए खेल खत्म हो जाएगा इसका तो यहां पर आते हैं एन ए का जिक्र करते हैं तो एन ए के हिसाब से एक्स वाई जेड तीन है कार्डिनल नंबर या नंबर ऑफ एलिमेंट्स और बी में दो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक दो फाइंड द नंबर ऑफ फ्रॉम टू बी हमें मालूम है कि नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा एन ए इंटू एन बी यानी टू थ्री इंटू टू विच इज इक्वल टू सिक्स छ हो गया अब एन ए बी हो गया तो नंबर ऑफ सबसेट्स या नंबर ऑफ रिलेशंस कितने रहे नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस वो होता है टू की पावर एन यानी टू और एन यहां पर कितना है दिस इज एन तो एन है छ तो टू की पावर सिक्स इज योर आंसर और टू की पावर सिक्स का मतलब है चार इंटू चार इंटू चार यानी सिक्सटी इज योर आंसर बस अब इसको लॉजिकल आप पकड़ के रखें छोटी छोटी बात दिमाग में रखें एक सवाल गलत नहीं हो सकता नहीं होगा खैर इसका मेरे ख्याल से नवा सवाल शायद अंतिम सवाल है तो इस क्वेश्चन को भी देखिए कुछ ही सेकंड्स में निपटा देंगे हम लोग तो लिख रहा है लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड जेड को पहचानते होंगे सेट ऑफ इंटीजर्स होता है ये क्या है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स उम्मीद है इंटीजर्स क्या होते हैं क्लास नाइन्थ में पढ़े थे तो याद होगा बाई आर इज टू ए क्रॉस ए बाई बी ऑर्डर ए माइनस बी इज एन इंटीजर अब कमाल क्या है कि एक इंटीजर में से अगर हम दूसरा इंटीजर घटा दें तो हमें इंटीजर ही मिलता है इंटीजर मतलब तो तीन चार पांच छ माइनस तीन चार पांच छीरो मिलाते हुए तो अगर हम तीन में से चार घटा दें इंटीजर इंटीजर तो यहां पे माइनस वन आएगा दिस इज आल्सो इंटीजर ये भी इंटीजर था z ये भी इंटीजर था z और ये भी इंटीजर z कोई दो नंबर इंटीजर में से इंटीजर घटाएंगे तो इंटीजर ही मिलेगा तो यहां पर सारे जो है रिलेशनशिप में शामिल हो जाएंगे आर यू गेटिंग माई पॉइंट एक इंटीजर में से दूसरा इंटीजर घटाओगे तो रिजल्ट इंटीजर ही आता है पांच में से तीन घटाओ तीन में से दस घटाओ दस में से एक सौ बीस घटाओ इंटीजर ही मिलेगा अब उसको देखते हुए फाइंड द डोमेन एंड रेंज तो डोमेन क्या हो गया डोमेन हो गया जेड तो क्योंकि जो यहां पे रिलेशनशिप बनेगी उसमें ए सारे इंटीजर्स हैं और बी सारे इंटीजर्स हैं रिलेशनशिप में दोनों हैं तो डोमेन होता है जो ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट का सेट जो कि रिलेशनशिप में अब रिलेशनशिप में सारे इंटीजर्स हैं तो सारे इंटीजर हो गए Z और रेंज क्या रही इसी तरीके से हमारी ये जो रेंज क्या हो गई बी भी सारे इंटीजर्स हैं विच इज इक्वल टू Z और ये इसी के साथ आपकी जो एक्सरसाइज थी प्यारी सी वो खत्म हो जाती है तो मेरे प्यारे बच्चों ये देखिए कितना सरल है बस इस सरलता को पकड़े रहने के लिए आपको क्या करना है इन वीडियो लेक्चर्स को सीक्वेंस या सीरियल में देखना है यह हर वीडियो लेक्चर में मैं बोल रहा हूं और बोलता ही रहूंगा जिससे कि आप इसको फॉलो करें क्योंकि आप जब इसको फॉलो करेंगे तो आपका वही एक घंटा तीन घंटे के बराबर फायदा देना शुरू कर देगा यू विल बी हाईली प्रोडक्टिव एंड एफिशियंट मुझे उम्मीद है आप इस बात को लाउड एंड क्लियर समझ पा रहे होंगे थैंक यू वेरी मच विश यू ऑल द बेस्ट